अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं दी राई मोटर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई थी, पर बिना किसी मुसीबत के हम घर पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा रास्ता था जो कि ट्रैवल किया, 35 से 40 किलोमीटर मैं चला हूं। टांगे फुल जो आप दे चुकी थी, अब जो है लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, पर शुक्र अल्लाह का हम घर पहुँच चुके हैं। काफ़ी लोग जो हैं फोत हुए थे, मरी में टोटल जो है 90 के करीब डेथ हुई थी एक रात में, और जो हमारी वाली नथिया गली वाला रोड था उधर कम से कम 30 लोग जो फोत हुए थे। मरी का हमने लाहौर से प्लान बनाया था कि हम मरी जाएंगे, उधर जाके स्नोफॉल देखेंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और 2-3 रातों में वापस आ जाएंगे। तो सुबह तो हम गए, लेकिन उधर जो है सीन ही कुछ अलग हो गया था। जुमेरात के करीब हम मरी गए हैं और उधर जो है सुबह 10 बजे हम पहुंचे थे, रात को हम निकले थे, रात का सफ़र किया था। सुबह 10 बजे जो है नथिया गली वाले रोड पे गए हैं, उधर जो है स्नोफॉल होने लग गई। हमने जाना नथिया गली था, पर रास्ते में स्नोफॉल होने लग गई थी, तो जिसकी वजह से हमने गाड़ी हमने उधर ही रोक दी और उधर ही इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो 10 से मतलब कि 12 बजे तक हमने सोचा कि अब हम वापस निकलते हैं। 12 बजे जब वहाँ से निकले हैं तो सड़क भी स्नो से भर गई थी और टायर जो हमारा स्लिप हो रहा था, और हमने टायर पे जो है चेन वगैरह लगाई थी। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता आगे गए हैं तो आगे रश आना शुरू हो गया, ट्रैफिक इतनी हो गई कि जो गाड़ी भी रुक रही थी उसके बाद वो मतलब कि आपको पता है कि अगर स्नोफॉल में गाड़ी कोई रुक जाए उसके बाद अगर आप उसको चलाते हैं तो गाड़ी हमारी नहीं चलती, टायर उधर ही घूमता रहता है और गाड़ी रुक जाती है। अगर गाड़ी चलती रहे तो फिर कुछ नहीं होता। तो गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता रुकती रही और मतलब कि उधर ही जाम होती रही, स्टिल होती रही। तो इस तरह रश पड़ता रहा, मतलब कि पूरा रोड नथिया गली वाला जैम हो गया। स्नोफॉल जो है रुक नहीं रही थी, स्नोफॉल इतनी होती गई जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हमने तो फैसला यही कर दिया कि हम जो है आज रात इधर ही रुकेंगे कि जब ट्रैफिक जाम ख़त्म होएगी तो तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। सारी रात हम उधर ही गाड़ी में बैठे रहे, हीटर हमने भी गाड़ी में लगाया हुआ था। सुबह जब उठे हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगे तो गाड़ी का दरवाज़ा भी बिल्कुल स्टिल हो गया, बर्फ़ ने जो है दरवाज़ा तक उसका दरवाजे तक बर्फ आ गई थी कि दरवाज़ा भी सुबह नहीं खोल रहा था। टायर ही नहीं नजर आ रहे, ये भी हां पीछे एक गाड़ी नजर आई है मुझे, वो बेचारे फंसे हुए हैं। हसन आगे आ गए, तो आगे भी है, उनकी थोड़ी पीछे ना बैठ ही नहीं रहा, फिर ना चला हुआ बस अपना। तुम्हारी बड़े फंदे के खोलो तक लगा खोल लगे, शुक्र आप लोग को कहा नहीं खोल। ये तो नहीं हम निकलते, ये देखो गोडा मेरा, गाड़ी की छत पे इतना ही है जल्दी कर। उसके बाद हम बाहर निकले गाड़ी से, हमने प्लान कर लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, कहते हैं कहीं आबादी वाली जगह में, उधर जाके हम जो है कोई नाश्ता वगैरह करेंगे क्योंकि पूरा दिन हो गया था हमें भूखे। जैसे जैसे हम चलते रहे, पहले हम यही समझ रहे थे कि हमारी गाड़ी जो थी वो बिल्कुल सेकेंड लास्ट वाली गाड़ी थी, हमारी गाड़ी से पीछे सिर्फ एक ही कार थी और बाकी गाड़ियाँ जो है वो आगे थी। हमें यही पता था 5-7 गाड़ियाँ हैं सिर्फ फंसी हुई, हमें ये नहीं पता था कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ उधर सीन हो रहे हैं। लेकिन जब सुबह उठे और हम निकलने लगे आबादी वाली जगह में निकलने लगे तो रास्ते में देखा इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और काफ़ी गाड़ियों में जो है मतलब कि डेड बॉडीज़ भी थी। वो उनकी वजह ये बनी, किसी पे ट्री गिर गया, किसी पे मतलब कि हीटर लगा के वो अंदर सोए रहे और हीटर की वजह से ऑक्सीजन उनका ख़त्म हो गया और वो फोत हो गए। बहुत से ऐसे सीन देखने को मिले। और उसके बाद चलते गए ये सीन देखने का बाद जो है हमारा अपना मतलब कि हिम्मत ख़त्म हो गई थी अंदर से कि एकदम ये हो क्या गया। पहले तो हमने इतना सीरियस नहीं लिया था इस बात को, हमने एंजॉय करते करते रात तो गुजार ली थी, लेकिन जब सुबह उठ के ये सीन देखे तो काफ़ी बुरी हालत हो गई। तो आबादी जो है कम से कम 10 से 15 मील दूर थी, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है बहुत दूर थी और आबादी 10 से 15 मील दूर थी। तो वो चलते 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 हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-2.5 घंटे दूर हम गए उधर शहर में पहुँचे, उधर आबादी वाली जगह में।
उधर जो है आर्मी का स्कूल था, लोग बहुत परेशान थे। जो आर्मी है अपने स्कूल खोल के लोगों को अंदर बैठाना शुरू कर दिया। रेस्क्यू वाले भी आते गए, उन्होंने देखा जो जो डेड बॉडीज़ है, हर मतलब के गाड़ी का जब दरवाज़ा नॉक करके देखते थे, शीशे से देखते थे कोई अंदर है तो नहीं, अगर है तो वो अगर दरवाज़ा नहीं खो रहा था तो फिर वो उनका शीशा तोड़ते थे और उनको चेक करते थे। तो वो काफ़ी लोग थे वो फोत हुए हुए थे, तो एक रात में 30 लोग फोत हो गए। तकरीबन 5 बजे हमने फैसला किया कि हम दोबारा गाड़ी के पास जाते हैं। 5 बजे तक जो है हम उधर ही रहे थे, किसी हॉस्पिटल था उसके अंदर हम बैठे रहे थे, क्योंकि होटल तो कोई भी नहीं मिल रहा था। होटल वालों ने किराए इतने कर दिए थे कि 50,000 रुपया एक रात का उन्होंने टैक्स कर दिया था कि आप एक रात अगर रहना चाहते हैं तो 50,000 लेंगे। और अगर आप ना कहीं से खाना भी रहा था, क्योंकि होटल वगैरह बर्फ़ से बंद हुए हुए थे सारे, कोई दुकान नहीं खुली थी। काफ़ी लोगों ने मदद भी की है, लोग जो है जूस वगैरह एक दूसरे को बांट रहे थे, क्योंकि बहुत सी आवाम जो है परेशान हो गई थी। और बहुत ही ऐसा बुरा सीन हो गया हुआ था, बहुत से लोग कदर करने वाले भी थे और बहुत से लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे थे, क्योंकि उन्होंने टैक्सी वालों ने इतना किराया बना दिया। पिंडी जो है 60 किलोमीटर दूर था और 15,000 रुपया वो लोग मांग रहे थे कि पिंडी जाने का। और इसी तरह 5 बज गए, 5 बजे जो है हम दोबारा वापस गए अपनी कार के पास। कार के पास पहुंचे हैं तो कार के पास कोई ऐसा सीन नहीं था कि रोड साफ़ हुआ हो, बिल्कुल वैसा ही सीन था 5 बजे तक भी। तो हम दोबारा वापस निकल गए वहाँ से, फिर दोबारा होटल की तलाश में निकले। होटल हमें कोई मिला नहीं, होटल मिला नहीं तो एक मदरसा था जिधर वो लोगों की मदद करके ना लोगों को अपने पास बिठा रहे थे, और हीटर वगैरह उन्होंने चलाया था, खाने को दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत बुरा सीन हो चुका है। मदरसे में वो लोग बिठा रहे थे लोगों को, मुसाफिरों को, उनकी हेल्प कर रहे थे, बिस्तर दे रहे थे रात को रहने के लिए। शुक्र अल्लाह का हमें सोने को जगह दी उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सी मदद की, खाने को दिया। बाहर से ना कुछ मिल रहा था और ना हमारे पास गाड़ी में था कि हम खा सकें, तो गाड़ी में भी हम ऐसे ही गुजारा किया। तीसरे दिन इतवार हो गया, इतवार को हम सुबह गए गाड़ी की तरफ, दोबारा हम निकले वहाँ से नाश्ता वगैरह करके, तो गाड़ी तब देखा काफ़ी हद तक रोड हमारा साफ़ हो गया था। और उसके बाद जब हम गाड़ी में पहुँचे तो लोग इतने उधर के मुकामी लोग भी हेल्प कर रहे थे कि मतलब कि आप गाड़ी में जब हम पहुँचे तो बार बार लोग आ रहे थे, कोई मदनी चैनल वाले भी आए थे, वो बेलचे पकड़ के आए थे, कहीं पकड़ के लोगों की बर्फ़ हटा के उनकी मदद कर रहे थे, खाने को दे रहे थे, दूध पानी और इसी तरह मूंगफलियों के पैकेट वगैरह सारा कुछ फ्री एक दूसरे को दे के, बिरयानी पता नहीं क्या क्या खाने पीने की चीज़ें दे के उनकी मदद कर रहे थे। जब हम वापस पहुँचे तो मैंने शूज़ मेरे गीले हो गए थे, मैंने सॉक्स उतार दी थी, तो एक भाई आए, उन्होंने कहा कि आप सॉक्स ऐसे ना उतारें, आपको नमूनिया भी हो सकता है सर्दी की वजह से। तो मतलब कि इतनी केयर वो लोग कर रहे थे एक दूसरे के लिए। कोई कह रहा था आप हमारे घर आ जाएं, हमारा घर यहाँ से पास ही है तो आप हमारे घर रहें। ऐसे बहुत लोगों ने हमारी हेल्प की। जो लोग फोत हो गए थे उनके लिए हेलीकॉप्टर आया, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आए, उनको डेड बॉडीज़ को उनको ले गए। और बाकी 5 बजे के करीब हमारी गाड़ी जो है, 5 बजे के करीब गाड़ी हमारी उन्होंने निकाल दी वहाँ से, और उसके बाद जो है हम घर की तरफ निकले। तो ये सारी स्टोरी थी जो कि 3 दिन मैंने उधर गुजारे, और शुक्र अल्लाह का बिल्कुल सलामत हालत में मैं घर वापस आ गया हूँ। और मेरी आपको स्टोरी बताने का यही मकसद है कि अगर आप ऐसी जगह उस पर जाते हैं तो आप सोच समझ के जाएं, अपने छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बहुत सी लोग उधर परेशान थे, पूरी पूरी फैमिली फोत हो गई, बहुत से ऐसे सीन हुए हैं जिससे देख के बहुत दुख भी हुआ है।